Ele. हाँ पर देखिए हमारा भी प्रसाद रेडी है, देखिए अच्छा लगता है देखिए खाने में। गाइस फाइनली हम लोग आए हैं मेला देखने यहाँ पर बारह देवी का। देखिए हमारे मंदिर का मेन द्वार, देखिए लिखा है माँ बारह देवी पूर्व द्वार। ये देखो 60-60 रुपए में जूटी मिल रही है, देखो मम्मी ले। नवरात्रि का मेला हमारे बारह देवी का देख रहे हैं, भीड़ है यहाँ पर, देखो मम्मी बैग देख रहे हैं। सो गाइस वहाँ पर देखिए दूर में मेला, वो देखिए झूला भी लगा है वहाँ पर, अभी आपको वहाँ पर लेके चलेंगे। सो गाइस जो मेन मंदिर है वो इधर है, इस तरफ है, तो हम लोग इधर चल रहे हैं झूले की तरफ। चलिए आपको झूले की आओ इधर ये देखो। सो गाइस ये देखिए राखी खा रही है यहाँ पर चाट, घर में इतना बना है लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाट खाना है खा रही है ये देखो। और हमने जो है मोमोज करवा लिया था हमारे। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज है नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि नवमी, तो आज जो है हमारे घर में कन्या अन्न खिलाई जा रही है। कल अष्टमी था तो कल भी बहुत सी जगह कन्या खिलाई गई थी, लेकिन कई जगह आज भी खिलाई जा रही, तो हमारे मोहल्ले मतलब हमारे एरिया में तो आज कन्या खिलाई जा रही, आज नवमी। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही मेरे चैनल पर 75 डेज ब्लॉग चैलेंज की सीरीज चल रही है, तो इसी सीरीज में हमारा ये 37वां यानी 37वां दिन है, 37वां ब्लॉग है। तो इसी तरह से आपको 75 डेज तक लगातार जो है वीडियो मिलने वाला है, लगातार ब्लॉग मिलने वाला है, वो भी सुबह 10 बजे। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है, तो आज कन्या अन्न खिलाई जा रही। तो चलिए आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर देखो हमारी राखी दीदी बैठी है सुबह सुबह नहा धो के, देखिए आज 9 बज रहा है सुबह सुबह, और इतने दिनों बाद आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि घर का काम खत्म ही हो गया है। कल जो है पूरा टाइल्स वाइल्स का काम खत्म हो चुका है, तो आज धुलाई उलाई करके बढ़िया आज जो है कन्या अन्न खिलाई जा रही है। यहाँ पर देखो भाई भी नहा धो के सुबह सुबह रेडी है, नहीं तो ये भी सोया करता है। टाइम देखिए 9 बज रहा है, और ये देखो राखी। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या बना है। यहाँ पर देखिए मम्मी ने सुबह सुबह सब बना के रख दिया, ये देखिए पूड़ी देखिए यहाँ पर बनी है, और यहाँ पर कन्या जो खिलाई जाएगी देखिए खीर भी वहाँ पर बना के रख दिया, पूड़ी खीर और क्या है, और यहाँ पर यही है आइटम, और यहाँ पर शायद चना वना होगा। ये देखो चने की सब्जी है, ये देखिए आलू चने की सब्जी है, यहाँ पर पूड़ी है, और ये खीर है। तो सुबह सुबह मम्मी ने बना के रख दी, तो भाई 4 बजे उठी थी, और 4 बजे से ही देखो सब धुलाई उलाई कर दिया है। यहाँ पर देखो सब सामान रखा हो, यहाँ पर देखो कन्या के लिए जो देने के लिए दक्षिणा दी जाती दान दर, इस सिक्के टूटे करवा लिए, टूटे आज कहीं मिल ही नहीं रहे। आज केला लेने का है ना, तो टूटे धोना तो टूटे कहीं मिल ही नहीं रहे। आज के दिन सिक्को कितनी मारा मारी चल रही है कि क्या बताएं, आज पता चल रहा है सिक्को की अहमियत, क्योंकि देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो सब बना के रख दिया मम्मी ने, यहाँ पर देखिए पूरा जो है यहाँ प्रसाद सब रेडी है, बस कन्या की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब जानते हो आज के दिन कन्या मिलती नहीं ढूंढने, तो पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। हैं जब घर बन रहा था तब हम लोग कहते फूटी किस्मत है, फूटी किस्मत है, क्योंकि घर का काम बहुत देर देर हो रहा था। हाँ तो अब क्या कहते इसे अवसर पे हुआ है, नवमी के दिन ही अपना काम खत्म हुआ, घर का कन्या खिलाई जा रही, तो हाँ वही चीज तो वही चीज कन्या आज के दिन मिली नहीं है, पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है। मम्मी बाहर खड़ी कन्या को ढूंढ रही है, वो देखो बाहर खड़ी है, और यहाँ पर देखो कन्या को सब यहाँ पर देखो बिछा दिया चद्दर अद्दर, यहाँ पर टाइल्स लगी है, बस इसको धुलाई कर दी बढ़िया चद्दर अद्दर बिछा दी, यहीं पर आके कन्या खिलाई जाएगी। और मिली नहीं रही आज के दिन, क्योंकि सब अगल मोहल्ले में सब आज के दिन खिलाते, नवमी में ज्यादातर लोग खिलाते हैं ना, तो सब पकड़ पकड़ के ले जा रहे, सबको जल्दी है भाई सुबह से सब बना के रेडी रखे हैं, तो कोई कह रहा मेरे घर आओ, कोई कह रहा मेरे घर आओ, तो नहीं सब में लगा है। तो फाइनली मम्मी भी इंतजार कर रही बस कन्या आए, तो कन्या अंदर खिलाई जाए। बाकी यहाँ पर देखो सुबह सुबह राखी दीदी भी, आज छुट्टी इनकी 2-3 दिन की छुट्टी, अब दशहरा के बाद ही इनका स्कूल खुलेगा। और ये तुम कहाँ जा रहे हो ना, देखो नहीं सोएगा, और ये देखो यहाँ पर सुबह सुबह बिग बॉस चल रहा है, तो अभी कन्या ने खिला देंगे, तो अभी मम्मी को मंदिर भी ले चलेंगे, मंदिर के आपको दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि आज नवमी ना, तो आज मंदिर के दर्शन करना पड़ता है। पहले दिन भी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं नवरात्रि के पहले दिन, लेकिन हम नहीं गए थे क्योंकि घर पे काम चला था, तो मम्मी गई थी, आपको बताया था नवरात्रि पहले दिन मम्मी गई थी मोहल्ले में लोग के साथ, तो पूरा दिन घूम के आए। क्या हुआ क्या ये लोग क्या थी मजाक कर, ये तो दो स्टार्टिंग
अभी दो महीने की है ना ये? हाँ अभी से लग गई है, लग गई 15 तारीख से, अब आएगा तो तीन महीने में आगे खोलो। अरे वो जागी ये कन्या किचे किचे सो फाइनली गाइस कन्या ने खिला दी गई है, तो देखा ही आप लोगों ने कितना शोरशराबा हो रहा था। तो अब आइए अपने प्रसाद खाने की बारी। तो चलिए यहाँ पर देखो राखी दीदी किचन में टेबल लगी है, पूरी गोली सेक रही है। देखो कन्या ने सब खिला दी गई है, 9 कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो वही कहीं कहीं 5 खिलाई जाती है, कहीं कहीं 9 खिलाई जाती हैं, अपने अपने उसके उत्साह मिल जाए जितनी। तो यहाँ पर देखो किचन में सब प्रसाद बना रखा है और राखी दीदी हमारी बना रही पूरी। अब अपने प्रसाद खाने के बारे में, तो चलिए हम लोग प्रसाद जो है सुगात। यहाँ पर देखिए हमारा भी प्रसाद रेडी है, देखिए मस्त चने की सब्जी, आलू चने की, और मस्त यहाँ पर खीर गर्मा गर्म पूरी। और वहाँ पर देखो राखी दीदी भी प्रसाद का आनंद ले रही है। देखिए यहाँ पर सुबह सुबह भी बहुत देखा जा रहा है। तो चलिए प्रसाद चखते हैं मस्त। ये देखें नवमी का प्रसाद, मम्मी के गर्मा गर्म बनाया, मस्त अच्छा लगता है देखिए खाने में। खीर ट्राई करते हैं। घर की बात ही अलग है, अभी रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ घर के खाना घर का ही होता है। चलिए ये प्रसाद एंजॉय करते हैं। हमारी राखी दीदी कन्या खिलाने के लिए किसी ने बुलाया? ये कन्या तुमको नहीं बुलाया गया कहीं सुबह से? तुम नहीं गई खाने के कन्या? कहा तुम कन्या कितने साल की? 15 साल की हो गए ना। अभी कन्या नहीं रही, अब छोटे बच्चों को बुलाया जाता है कन्या में। जब तुम छोटी थी तब तुमको हम ले जाते थे भाई, गोदे उठा के खिलाने ले जाते, लेकिन अब बड़ी हो गई अब थोड़ा तुमको भी बुलाएगा कन्या। अब तुम नहीं रही, कन्या छोटे बच्चे का होता है। हाँ और क्या, अभी देखो यहाँ पर मम्मी खा रही देखो खीर। फाइनली हम लोग आए हैं मेला देखने यहाँ पर बारा देवी का। तो घर से निकल चुके हैं, गाड़ी देखिए वहाँ पर खड़ी कर दी हम लोगों ने। तो देखो राखी दीदी और मम्मी सब लोग हैं। तो यहाँ पर मंदिर पहुँच गए तो वही 100 मीटर दूरी पर पार्किंग लगती, तो यहाँ पर गाड़ी वाली पार्क कर दी देख रहे पीछे। तो चलिए चलते हैं आपको जो है बारा देवी का मेला घुमाते हैं। हमारे जो है एरिया का सबसे फेमस मेला है बारा देवी। नवरात्र में यहाँ पर 9 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आज आखिरी दिन है, नवमी है। तो आज आपको यहाँ पर थोड़ा मेला घुमाते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत दिनों बाद टाइम मिल रहा है, घर के काम से आप फ्री हुए हैं। यहाँ पर देखिए सब लोग चल रहे हैं और आगे से आपको नज़ारे दिखाते हैं। ये देखो ये है हमारा मेला, और ये देखो राखी दीदी और मम्मी। चलो देखो यहाँ पर सब गिफ्ट विफ्ट वाले आइटम देखिए सब यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखो देखिए यहीं से देखिए भीड़ चालू हो गई मेले के लिए, देख रहे हैं ये। और यहाँ पर देखिए मेट्रो बन रही हमारी, ये देखो यहाँ पर तौलिया बिक रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों के खिलौने हैं, देखिए बर्तन है कितने सारे। ये देखो कितने की है? 100 रुपये की। हल्की बहुत लग रही, हल्की हो गई। सो गाइस ये देखिए हमारे मंदिर का मेन द्वार, देखिए लिखा है माँ बारा देवी पूर्व द्वार। तो इसके 4 द्वार हैं, तो मेन जो द्वार है वो पूर्व द्वार है। और यहाँ पर आप लोग भीड़ देखिए, ये यहाँ से एंट्री होती है। तो इधर मम्मी पता नहीं कहाँ जा रही, यहाँ पर देखो हर तरफ देखिए कैसी भीड़ लगी। ये देखो और यहाँ पर देखो दीपक भाई गोलगप्पे वाले सब यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखो फूल वूल सब। तो उधर कहाँ जा रही, गेट तो उधर है ना, गेट उधर है। चलिए देखिए मेन गेट, अब यहाँ से करते हैं एंट्री। और आके हाथ हाथ पकड़े रहे ना, भीड़ देख रहे आप लोग। ये देखो क्या गजब की भीड़ है, ये देखो चारों तरफ दुकानें दुकानें हैं। और मम्मी देखो चल रही है, राखी दीदी देख रहे ना, ठीक होना नहीं क्योंकि भीड़ देखो गजब की है। देखो हर तरफ मार्केट ही मार्केट,
सोच रहा भाई इतना हो रहा है ना क्या बताएं। देखो दुकानें हैं दुकानें, ये देखो 60-60 रुपए में जूटी मिल रही है। देखो मम्मी ले 60 रुपए में कोई भी छाटो भीनो मेले का यही हाल होता है। बाकी भीड़ देखो, ये देखो सामने से उधर से हम लोग एंट्री किए तो ये देखो वहाँ तक पूरी भीड़ ही भीड़ है। अगल बगल देखिए सब दुकानें लगी हैं। ये है नवरात्रि का मेला हमारे 12 देवी का, देख रहे हैं कैसे भीड़ है। यहाँ पर देखो मम्मी बैग देख रहे हैं। तो गाइस वहाँ पर देखिए दूर में मेला, वो देखिए झूला भी लगा है वहाँ पर, अभी आपको वहाँ पर लेके चलेंगे। सब अलमारी बिछाने वाले हैं भाई, ऊपर वाले नहीं है। ले तुम भी कुछ पसंद करवाओ, यहाँ पर अलमारी के लिए ले रहे हैं ना पन्नी। तो देखो और यहाँ पर इतने सारे कलर हैं। अभी देखो ये 2 पावदान खरीदा है, 50 के 2, देखो 2 हैं इसमें। और यहाँ पर जो है हाँ तो लगा लो, उसमें पन्नी क्या करोगे भाई, उसमें ऊपर पटिया है क्या, ले लो। सो गाइस जो मेन मंदिर है वो इधर है, इस तरफ है, तो हम लोग इधर चल रहे हैं झूले की तरफ। चलिए आपको झूले की आओ इधर, ये देखो ये इधर से झूले का रास्ता ये। अरे तो पूरी नहीं जाती ऊपर तक, बस इतनी ही रहती है। राखी कह रहे हमने यही वाला झूला झूला था, यही वाला झूला था क्या, इससे भयंकर था, वो पूरा ऊपर जाता है क्यों। ये 360 नहीं है, ये 180 है, अभी ये 360 नहीं है। चलिए अब इधर चलना है हम लोग, एंट्री करो। इधर देखिए साइड में दुकान है तीरंदाजी वाली, देखिए ये तो सब खिलौने वलौने की हैं, बाकी उधर जो है तीरंदाजी कर सकते हो बढ़िया। देखो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अभी ये हमारा जो है मेला, देख रहे कितनी बढ़िया लाइट है। क्या जी क्या यहाँ देख लो मिल जाए, यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ सब फोटो खिंचाने वाला है। वो देखो कितने अच्छे अच्छे झूले लाइन से देखो लगे हैं, ये देखो देखो सबसे बड़ा वाला झूला। देखो यहाँ बलून पे सब निशाना लगा रहे हैं, ये देखो भाई को निशाना लगाने लगा है हुआ। और दादा निकलो भैया भीड़, ओ माई गॉड क्या गजब की नजारे हैं, देख रहे झूले देखिए आप। क्या जी ये देखो झूला, देखो खिलौने कितने सारे हैं, बहुत सारे, मजा आ गया। क्यों आके देख के ना, इतने मस्त मस्त नज़ारे यहाँ पर। अभी जब अंधेरा होगा ना तो और मज़ा आएगा, जब लाइट चलेगी तो। अभी जब वही कम से कम 5:30 हो रहा हो, पीछे आपको नज़ारे देखिए। यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, देखिए शुभ नवरात्रि के रश यहाँ पर जो है बना है खाने पीने के लिए। आज तो घर में इतना वैसे ही बना है, घर में पूरी सब्जी बनी थी। ठीक है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के बाद आ गए खाने के लिए। यहाँ पर देखिए भीड़ लगी, तो ऑर्डर दे दिया है, अभी आता है तो आपको दिखाते हैं क्या खाने वाले। तो गाइस ये देखिए राखी खा रही है यहाँ पर चाट, घर में इतना बना है लेकिन नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चाट खाना है। देखो राखी के लिए चाट ले लिया, यहाँ पर मम्मी देखो ये चाउमीन खा रही है, ये देखो। और हमने जो है मोमोज करवा लिया, तो हमारे मोमोज अभी आ रहे हैं, ज़्यादा ही टाइम पर मोमोज खा लेंगे बस। ये देखो बाकी राखी दीदी, यहाँ पर राखी दीदी का क्या हुआ, ये आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो आइसक्रीम खा रही, देखो यार ये। अभी तुम्हारे चाट खा के पेट नहीं भरा क्या, अरे 10 वाली ले लो, वही दे दो और क्या, चाट चॉकलेट वाली खाओ बढ़िया मस्त, ये देखो चलो आओ। ये देखो आगे कैसे बच्चे उछल रहे हैं, ये देखो इसमें जाओगे क्या, आओ नहीं मम्मी गायब हो जाएंगे। नहीं दीदियों की शॉपिंग कभी नहीं खत्म होती, देख रहे एक पिछले 1.5 घंटा घूम रहे हैं। देखो यहाँ पर राखी दीदी क्या पसंद कर रही, देखो मम्मी सब चूड़ी वूड़ी, यहाँ पर देखो कंगन वंगन लगे ना वही पसंद किया जा रहा है, तुमको क्या लेना है। यहाँ पर ये क्या ढूंढ रहे हैं, देखो कड़ा देख रहे हैं, ये देखो मम्मी वहाँ पर देखो कंगन देख रही है। हम मेरे लायक कोई आइटम मिल ही नहीं रहा यहाँ पर मेले में, मेरे लायक कुछ नहीं है, सब यही लेडीजों का आइटम है। तो फाइनली कम से कम 2-2.5 घंटा मेला घूमने के बाद
अब जाके बाहर निकले, देखिए पीछे गेट आप लोग को दिख रहा है, यहीं से हम लोग एंट्री किए थे, अब यहीं से बाहर जा रहे हैं। देखो ये देखिए गेट, माँ बारा देवी पूर्व द्वार, यहीं से हम लोग घुसे थे। और भीड़ देखिए आप लोग, ये जहाँ तक नज़र डालोगे देख रहे कैसी भीड़ है, जैसे लग रहा है देखो कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, ऐसी भीड़ से हम लोग अभी निकले। और यहाँ पर देखो मम्मी अपना जो है ले रही है अब सामान वामान, बाकी अभी इन लोग की शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई बता तो रहे हैं। और राखी दीदी भी ले लिया है देखो बैग, मम्मी ने एक बैग लिया है, बाकी क्या लिया है और भी कुछ लिया है। और यहाँ पर देखो ये देखो ये कैसे उड़ के आ रहा है, देखो ये दशहरे में आपको बहुत देखने को मिलेगा। बाकी देखो भीड़ तो देखो, ये देखो भीड़ देखो आप लोग, आदमियों के सर कैसे दिख रहे हैं, ये क्या खतरनाक। रोडों पे भी देखो भीड़ लगी है, देखो रोडों पे भी भीड़ लगी। तो चलिए अब यहाँ से सामान वामान ले लिया है, हम निकलते हैं देखते हैं घर की तरफ चलते। सो गाइस मेला वेला घूम कर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए आते ही राखी दीदी देखो यहाँ पर बैठी है, मोबाइल वोबाइल देखिए सब ले लिया हाथ में। मम्मी देखो वहाँ पर लेटी हुई, चल रहा है सत्संग ये देखिए। और टाइम देखिए कितना हो गया, आते आते 7:30 बज गया, यहाँ से वही करीब निकले थे हम लोग 4 बजे, तो कम से कम 2-2.5 घंटा तो वही हो गया बता तो रहे। अब औरतों की शॉपिंग, लेडीजों की शॉपिंग इतनी हो जाती है, क्या है छोटा सा आइटम खरीदना हो ना पूरा मेला घूमा के खरीद के क्या लाएंगे, एक मतलब हैंड बैग लाएंगे, पर्स और अपना और 2-3 आइटम लाएंगे, और इतना ही लाने में पूरा बताओ 2-2.5 घंटा हो गया। चलो कोई नहीं, मेला देख ही लिया, अब कल का मेला आज ही उन्होंने घूम लिया। अब कल तो जो है मेन दशहरा है, दशहरा का मेला है, अब कल देखते हैं क्या होता है, अगर घूमना होगा तो घूमेंगे नहीं तो नहीं घूमेंगे, क्योंकि मेला मेन मेला तो मतलब कल ही है, लेकिन मेला तो आज घूम ही लिया, दिखाया है आपको झूला वूला सब था। लेकिन ये झूला स्कूल की तरफ से गई थी ना टूर पर, तो झूला वाला झूल के आएंगी, जो झूला आपने देखा ना उससे बता रही बहुत डेंजर वाला झूला झूला है इनमें 360 वाला, तो इनका मन ही नहीं हुआ झूला झूलने का। नहीं तो अभी देखिए हमारी राखी दीदी जो है गर्मा गर्म चाय बना के लाई है, ये देखो घूम के आए ना गाड़ी से तो थोड़ा हवा वाला गए, तो सोचा चाय तो पिया ही नहीं था आज, तो ये देखो मम्मी उधर है, चलिए चाय पीते हैं फिर। तो बस खाना पीना सब हो चुका है, चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि रात के 10:30 बज रहे हैं। तो इतने दिनों बाद आज तुमको जो है कहीं बाहर घुमाया, मेला घुमाया, तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। अब फाइनली जो है घर का काम खत्म हुआ है, तो ऐसे ही आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे, बस 75 डेज तक जो है आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलने वाला है, वो भी 10:00 बजे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।